सुपर क्विक सब्जी, ये बहुत ही जल्दी हमारी बन जाती है और सुपर टेस्टी लगती है। तो आइए सीखते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी पनीर भुर्जी की रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है, एक चुटकी हींग ली है और वो हम ऑयल में लेके ऐड कर देंगे। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल ऑलरेडी गरम कर लिया था। अब इसको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे जीरे को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जो कि मैंने एकदम बारीक काट रखी है। प्याज को पकते हुए 1.5 मिनट हो चुका है और ये मैं इसे हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का या आप पेस्ट लेके ऐड कर सकते हैं या आप अदरक लहसुन को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ऐड किया है इसमें अदरक लहसुन को ग्रेट करके। अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए, बस आधे मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम एकदम हाई है क्योंकि ये सब्जी हमारी बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती है। ये प्याज का कलर थोड़ा पिंकिश होने लगा है तो अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 1/3 स्पून हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, 1/3 स्पून गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। और गरम मसाला भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे, सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाले भी थोड़ी देर के लिए भून जाएं। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 1-2 स्पून पानी ऐड कर दूंगी जिससे मसाले जले नहीं। ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 लाल टमाटर लेके ऐड कर देंगे जो मैंने बारीक काट रखी है। अब इसे हमें अच्छे से गला लेना है, तो टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए हम नमक इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब ये टमाटर गलने तक हमें इसे पका लेना है, तो स्पैचुला से प्रेस करते हुए टमाटरों को पका लें। ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं 2 हरी मिर्च जो कि मैंने बीज से सिलेक्ट कर रखी है उसको मैंने ऐड कर दिया। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको हरी मिर्च पसंद हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं लंबाई में काट के। ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये है 200 ग्राम पनीर जो कि मैंने ग्रेट कर ली है। आप चाहें तो इसको हाथ से अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। बस ये सब्जी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, हमें मिक्स कर लेना है इसे। अब पनीर को मिक्स करने के बाद हम फ्लेम एकदम लो कर देंगे और बस केवल 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाने के बाद एक बार फिर हम इसे अच्छे से चला लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। ये बहुत ही जल्दी हमारी बन जाती है और सुपर क्विक रेसिपी है। तो जब भी आप जल्दी में हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार बना के इसको ज़रूर ट्राई करें। लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे और इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे। सो फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली पनीर भुर्जी की रेसिपी बनके तैयार है। आप भी ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और सुपर टेस्टी लगती है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बाय।